अपने भारत की राजधानी दिल्ली में आप लोगों का स्वागत है। वो कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है और मेट्रो यहाँ की जान है। दिल्ली में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, आई मीन सच में बहुत कुछ। लेकिन आज के जमाने में लोग खाने पीने के साथ साथ फिट रहना नहीं भूलते, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हर महीने देश की जनता को शौक देना नहीं भूलते। खैर गुस्सा मत कीजिएगा, ये मेरा दोस्त राजन, 12 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ है और फ्लैट ढूंढ रहा है, तब तक के लिए मेरे यहाँ ही रुका हुआ है। तो ये कहानी गोपाल यानी मेरी है। एक तो तू कपड़े पहन के सोया कर। पापा सोने दिया करो थोड़ी देर। जल्दी से उठकर तैयार हो जा, तेरे लिए लड़की देखने जाना है। और सब आराम से आ गए आप त्रिपाठी साहब? हाँ जी बिल्कुल आराम। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा जी? बस वो आ ही रहा है। मिश्रा जी आपको तो पता ही है कि आजकल के बच्चे बस इन लोगों की सारा दिन कपड़ों की सेटिंग ही चलती रहती है। कपड़ों की सेटिंग, हेयर स्टाइल, कपड़ों सेटिंग, नथिंग एल्स। लो जी आ ही गया। अच्छा अच्छा आइए गोपाल जी। अब ड्राइवर के लिए भी चाय बनवा देना। नहीं 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 आप गलत सोच रहे, ये हमारा बेटा गोपाल ही है, ये तो इसका दोस्त राजन है। कितने सालों से कह रहा हूं तुझको, पतला हो जा, कंट्रोल कर ले बेटा, कंट्रोल कर ले, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं, फैलता चला जा रहा है। पापा मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना, अगर नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी मैंने आप दोनों से बोला है नहीं करनी है मुझे शादी। लेकिन क्यों नहीं करनी शादी तुझको? क्योंकि मैं ऐसे ही ठीक हूँ और खुश। शांत हो जाइए, चिंता मत। अरे तो क्या कुंवारा ही रहेगा? अरे उम्र बीत रही है इसकी। लीजिए आप पानी पीजिए। तो देखो वो दरवाजा बंद कर दिया। अरे दरवाजा बंद करके पता नहीं इन लोगों को क्या करना होता है। आप पानी लीजिए। दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर बात करता हूं। प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं इसे समझा रहा हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए। अच्छा गोपाल तू मुझे एक बात बता। हाँ? अगर तुझे शादी नहीं करनी तो तू सेक्स तो कर ही सकता है। नहीं भाई। मगर क्यों? तुझे एक सच बात बताऊं, ये मोटा एंड ऑल तो आई कैन टॉलरेट, पर सेक्स करते वक्त मुझे कपड़े नहीं उतारने यार। मतलब कपड़े पहने कौन सेक्स होता है? मैं एक बार कॉलेज में दोस्तों के साथ वाटर पार्क गया था, जोश जोश में मैंने टी शर्ट उतार दी, तब से सब लोग मुझे मदर डेरी कहकर बुलाते हैं। इवन फ्लैट चेसर गर्ल्स ऑल्सो।
भाई तो सो जा। क्या हुआ राजन बेटा, मिला कोई फ्लैट तुम्हें? जी अंकल जी, बस 2-3 ब्रोकरों से बात चल रही है, अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बेटा कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। गोपाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बेझिझक बता सकते हो, हमारे लिए तो आसानी रहेगी, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। क्या यार पापा, फिर से वही बात, नहीं करनी ना शादी मुझे। ऑफिस ओ, ये रिश्ता सही लग रहा है। ओहो, पर लड़की बहुत पतली है यार। उमा, ये मोटी लड़की के घर वाले क्या अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करते? जी आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैं किसी लड़की की तलाश है वैसे ही किसी को लड़के की भी तलाश होगी, जाने दो। जो मिले इस कदर हुआ क्या ये दिल पे असर, जानू ना मैं मगर करूं मैं जो सब बेअसर, पर तेरे हिसाब से कैसी लगी? कुछ मत बोल, जाके अपना काम कर।
अब बसर तुझ पे ही है मेरी नजर और तेरे सहारे से जिंदगी संभलने लगे सीने में छुपा लूं मैं धड़कनों को सुनती रहे तू मेरी मिलके ही सुन आज ना मैं समीर के यहाँ जा रहा हूँ आज उसके यहाँ रुकने का प्लान है काफ़ी दिनों से बोल रहा है तो मैंने सोचा आज उसी के वहीं चले जाऊँ और चार बातें भी हो जाएंगी ठीक है तू जा ओके देन सी यू टुमारो इन ऑफिस गुड नाइट ब्रो गुड नाइट अरे बेटा तू आ गया हाँ माँ चल फ्रेश हो जा मैं तेरे लिए खाना लगा बिल्कुल बहुत भूख लगी जल्दी उमा सुनो ये लड़के को चिंता ही नहीं है कि इसकी शादी नहीं हो रही तुम्हारे जाने दो की वजह से लड़का कपड़ों से बाहर चला गया है तुम हो कि जाने दो की रट लगाई जा रही हो क्या बात है बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है कोई खास बात है क्या नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है मैं चलता हूँ ऑफिस मिस्टर बी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इट्स जस्ट बीन अ वीक फॉर यू अगले हफ्ते में ये सब क्वेरीज आपके दिमाग में आएंगे गोपाल होता है रिसेप्शन सो मिस्टर बी दिस इज मिस्टर गोपाल ये हमारे सीनियर ग्राफिक डिजाइनर हैं विल हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ योर क्वेरीज एंड मिस्टर गोपाल ये श्रेया दुबे इन्होंने अभी अभी हमारी कंपनी ज्वाइन की है प्लीज हेल्प आउट इन एनी वेज राइट थैंक यू या कैन यू सेंड द फाइल्स सर डोंट कॉल मी सर ओके गोपाल एक्चुअली मेरे कुछ डिजाइंस थे तो क्या आप एक बार उन्हें देख लोगे अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल मेक करेक्शन ऑन इट ओके श्योर तो मैं लेके आऊँ ठीक थैंक यू और भाई क्या बात है अकेले अकेले बातें भी शुरू होगी भाई को बताया भी नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं क्या हो गया तुम दुखी हुआ है खैर कुछ भी कहो मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को काफ़ी सुंदर है आदमी है सुंदरता का क्या करूँगा हकलाती है श्रेया यार मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तू अभी भी वही सोच रहा है हाँ यार सोचूंगा ही ना हमारी किसी कमी के बारे में जब लोग ऐसी बात करते हैं गलत तो हुआ यार देख हर किसी में ना किसी ना किसी चीज की कमी होती है
जैसे तुझे अपने मोटापे को लेकर गिल्ट रहता है, वैसे उसे भी अपने स्टमरिंग प्रॉब्लम को लेकर गिल्ट रहता होगा। एंड एक बात याद रखियो, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर उसमें कुछ कमी है ना, तो तुझ में भी कुछ कमी है। तू सही कह रहा है यार, मैं कल ही जाके उससे माफी मांगता हूं। हाँ, लेकिन मैं उससे माफी कैसे मांगू यार? मुझे नहीं लगता आज के बाद जो हुआ वो मुझसे बात भी करेगी या मुझे देखेगी भी। देख, अगर तुझे अपनी गलतियों का दिल से एहसास है ना, तो भगवान भी तेरा साथ देंगे। जस्ट ट्राई। ओके। देख, अब तू सो जा, नहीं तो तुझे तो पता ही है वर्मा के बच्चे का, वो मेरी जान ले लेगा। हाँ, तू काम कर अपना। बेटा हो गया तैयार? आज जल्दी से बैठ, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं माँ, आज मूड नहीं है। क्यों, कुछ तो खाता जा। नहीं माँ, सच में दिल नहीं है। अगर भूख लगेगी तो ऑफिस में कुछ खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। राजन सुन, जल्दी कर, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। राजन, इसे क्या हुआ आज? अरे ना कुछ नहीं, वो ऑफिस में काम का प्रेशर चल रहा है ना, इस काम से बस, इस काम से थोड़ा टेंशन में। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ जी, श्रेया, श्रेया प्लीज लिसन टू मी वंस, आई एम रियली सॉरी श्रेया, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहे उसके बाद तुम मुझसे बात करना या मत करना, पर मैं ऐसे गिल्ट में नहीं जी सकता दैट आई हैव हर्ट यू। गोपाल प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज, तुम्हें जो बोलना तुमने बोल लिया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। थैंक यू। श्रेया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं कैसे कहूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि कैसा लगता है जब कोई ऐसे बोलता है। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैंने ऐसा बोला। आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी इस बात को मानोगी भी या नहीं, बट मैं खुद हर रोज इसको फेस करता हूँ। लोग आपको देखकर कमेंट करते हैं, आपके लुक्स को लेकर जज करते हैं, बट मैंने ये सब फेस करना सीख लिया है। गोपाल, बात ये नहीं है कि मैं इन सब चीजों को फेस नहीं कर पाती। छोटे होते से ही हर कोई मेरे इस प्रॉब्लम का मजाक बनाता आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत तंग करती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये मैंने अपने अंदर खुद से डाली नहीं है ना, प्लीज डोंट क्राई यार। मैं भी कभी कभी ऐसे ही सोचता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। मैं जब भी लड़की वालों के घर जाता हूँ, वो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि कोई तो ऐसा इस दुनिया में होगा ना जो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। सेम हियर, जब भी कोई लड़के वाले मेरे घर मुझे देखने आते हैं और मेरे पापा मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं,
दे बिहेव सो वियर्डली, जैसे कि उन्हें बहू नहीं कोई रोबोट चाहिए हो। क्योंकि मैं भी यही सब फेस करता हूँ, लेकिन कोई तो होगा ना जो हमें ऐसे ही पसंद करेगा जैसे हम हैं। तो मुझे माफ किया? हाँ कर दिया। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं पहले सोचती थी। अच्छा जी, तो क्या सोचा था कितना बुरा हूँ मैं? बहुत। थैंक गॉड कि मैंने बात आज ही कर ली। पता है पूरी रात नहीं सो पाया इस टेंशन के बारे में। मैं जल्दी आ।